मैं जब यहाँ 7:30 बजे आया तो वहाँ पे एक लेडीज बैठी थी और उनको न पूछते हुए फिर मैं वहाँ से फिर वापस मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद में 15-20 मिनट के बाद में वापस उसी जगह गया। वहाँ जाने के बाद में तो भी वो लेडीज वहाँ पे बैठी थी। बैठने के बाद में फिर मैं आगे बढ़ गया और फिर वहाँ से निकल के आ गया तो यहाँ पे आने के बाद में वहाँ हुल्ला हुआ कि मतलब कोई गिर गया तो यहाँ तो कांस्टेबल लोग था तो उनको मैं आवाज़ दिया तो 4-5 कांस्टेबल और दो लेडीज कांस्टेबल वो लोग सब लोग भाग के गया वहाँ पे। और फिर उसके बाद में मैं भी पीछे पीछे गया और वहाँ जाने के बाद में वो रस्सी बचा के रखे मतलब उनको पकड़ा के रखे थे तो जो बचाने का जो लाल कार्ड था वो थोड़ा आगे निकल गया तो मैं मुझे रह नहीं गया तो मैं क्या किया कि मैं अपना कपड़ा वपड़ा निकाल के और मैं भी वो आगे जाके वहाँ से उड़ी मार के और जो टायर था वो टायर लेके आया और ला के उनके गले में पहना के और फिर उनको हम लोग सब बाहर निकाल। ऐसा मुझे कुछ फीलिंग नहीं हुआ, मुझे कुछ डर भी नहीं हुआ उनको बचाने के। मैं ये सोचा कैसा भी वो बच जाए, उनको मैं बचाने में थोड़ा भी मुझे डर नहीं लगा और मैं अपना उड़ी मार के उनको बचाया। पाँच दिन पहले भी एक ऐसी घटना जो है एक लड़की कहीं से भटके आते ऐसी डूबी हुई तो उसको भी हम लोग ने जो है सब फोटोग्राफर ने मिलके ऐसा रस्सी डाल के जो है बचाया गया। मैम 2012 में जो हमें पुलिस ने चार्ज मारा था उसमें बहुत भागा भाग दौड़ी थी तो हमें फाइन मारा था पुलिस ने तो हम फाइन भर के आए और यहाँ पे बस अपने वो जगह पे खड़े थे वहाँ पे। तो उस समय की 3 बजे की घटना थी मैम, 3 बजे की एक लेडीज थी जो 26 वर्ष की थी और उसकी बेटी 3 साल की थी उसकी बेटी और उसने अपनी बेटी को पेट पे कस के दुपट्टे से बांध रखा था मैम और उसने जंप किया। हमने उसको रेस्क्यू करके वो सामने जेटी जो जेटी से हमने उसको बाहर निकाला, वो बच्चे को भी हमने बचाया और उसकी मम्मी को भी बचाया।